अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हाँ जी, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ने थे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसके आज न्यूमेरिकल्स को हमने देखने हैं, जो हमारे पास तकरीबन 18 न्यूमेरिकल हैं। तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम आज की इस वीडियो में पूरा कर लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट पॉइंट पी -2, -3 एंड इट्स टिप एट 3 and 9। डिटरमाइन दी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सबसे पहले भाई साहब ने हमें डाटा दिया है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में उसने कहा है कि हमारे पास ये एक पॉइंट पी है, वो है -2 और -3। यहाँ पर है जी उसकी टेल और टिप है जी पॉइंट क्यू पर, क्यू की वैल्यू है 3 और 9। यहाँ पर है उसकी टिप, ठीक है। अब हमसे उसने कहा कि पी आपने क्या करना है, क्यू और पी के दरमियान का डिस्टेंस यानी कि आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपने जस्ट आर की वैल्यू बतानी है। अब आर की वैल्यू जो है इस दोनों पॉइंट के दरमियान में बतानी है। अगर इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बनाऊं तो ये कुछ यूं बनेगा, ए यूं। अगर आप देखो तो टेल है -3 और -2, -3 यानी कि इस क्वाड्रेंट में थर्ड में, और टिप है दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में। तो अगर इधर वेक्टर ड्रा किया जाए तो वेक्टर वो कुछ इस अंदाज का बनेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये है जी 3 और 9 और ये पॉइंट है -2 और -3। तो अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर बनाएं इधर से ओ से, तो ये बनेगा, ये था आपका क्यू और ये था आपका पी, तो ये बनेगा ओ क्यू। अगर इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं तो बनेगा ओ क्यू विच इज़ इक्वल टू 3i + 9j, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इसका बनेगा पी का, वो बनेगा ओ पी विच इज़ इक्वल टू -2, -2y और -3j। अब इसी को मैं कह देता हूँ R2 और इसको कह देता हूँ R1, तो फिर R किसके बराबर आएगा, R2 में से आप R1 को माइनस, यानी कि इस वेक्टर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को क्या कर दोगे, माइनस, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप इसकी वैल्यू लिखो R2 की 3i + 9j -2i - 3j, 3i - 9j - -2i + 3j, तो ये बन जाएगा 5i + 12j, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास R, लेकिन उसने हमसे R नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछा है R डिस्टेंस। तो R का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर यानी कि 5 का स्केयर + 12 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 25 + 144 विच इज़ इक्वल टू 169 एंड इज़ इक्वल टू 13। और जो भी इसके जवाब यूनिट होम, यूनिट्स मीन मेरिंग वैल्यू, तो अगर ये मीटर में है तो फिर इसका आंसर मीटर में लिख देंगे, ठीक है जी। ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 2 को वो कहता है अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ एन इंसेक्ट इज ट्रैवलिंग ऑन ए एडजेसेंट वॉल एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 and 3 वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। वो कहता है कि फ़र्ज कर लो कि अगर ये आपका कोई भी रूम है, इसकी ये जो ये वाला पॉइंट है, ये जो कॉर्नर है, इसको हमने क्या दिया ओरिजिन, और इंसेक्ट इस वाल पर है, जैसे ये रूम है ना, ये जो दीवार है, या ये फर्ज कर लो ये कॉर्नर है, तो इस बोर्ड में किसी जगह पर इस दीवार पर वो इंसेक्ट है, और वो इंसेक्ट किसी पॉइंट पर है, उस पॉइंट की जो वैल्यू भाई साहब ने बताई है वो है आई थिंक 2 और 1, दोनों पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। और इनका अगर आप वेक्टर बनाओ तो इसका वेक्टर कुछ यूं बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट पी का। तो अब आपने बताना है कि इस वेक्टर का यहाँ से डिस्टेंस कितना है।
ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसका नाम है ओपी, और यहाँ पर जो है ओरिजिन, इसकी जो वैल्यू है वो सिंपली 0 0 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल लें, तो इसमें से इसकी वैल्यू माइनस करो आई की, तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पर जो वैल्यूज़ होती हैं, पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इंसेक्ट की जो उसने वैल्यू बताई है वो कितनी बताई है आपको, 2 और 1। और अगर ओरिजिन पर देखें वैल्यूज होती हैं 0 और 0, तो 2 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 0, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपली इसकी पोजीशन वेक्टर को हम क्या देते हैं, आर। तो जो आर है उसकी वैल्यू है फिर 2i + 1j, तो ये वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने कहा है डिस्टेंस बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, क्या बचेगा, 4 + 1। और उसने कहा कि ये चूंकि मीटर्स में मेजर होना है, तो फिर इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, 2.1 नहीं है, ये है 2.24। तो ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, ये तो मैंने बस वैसे डायरेक्ट लिख दिया, तो 2.24 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन दी वेक्टर। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये जो यूनिट वेक्टर है, अगर आपको एक वेक्टर दे दिया जाए तो क्या आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। उसने वेक्टर आपको दे दिया और वेक्टर का है 4i + 3j। वेक्टर ए वो बराबर है, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी, 4i + 3j, ये डायग्राम इसकी है, ये वाली इसकी। ठीक है, तो अब आपने इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर को डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड पर। तो वेक्टर है, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का, या देगा 16 + 9 विच इज़ इक्वल टू 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो बस आपने यूनिट वेक्टर में वैल्यू पुट कर देनी है। वेक्टर की जगह आ जाएगा 4i + 3j/5। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में देखें, न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहता है टू पार्टिकल्स R1 और R2। R1 की वैल्यू उसने बताई हमें 3i + 7j, और R2 की जो वैल्यू बताई है वो हमारे पास है -2i + 3j। अब वो कहता है फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो इनका जवाब है, यानी कि एक जो वेक्टर हमारे पास बनेगा, इसकी एक तो आपने बतानी है मैग्नीट्यूड, और दूसरी इसी वेक्टर की क्या बतानी है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, एंगल थीटा। और ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लिहाज से बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये वेक्टर निकालेंगे, जो वेक्टर है, वेक्टर क्या है, R2 - R1। तो क्या करेंगे, पहले R2 को रखेंगे -2i + 3j - 3i + 7j, तो ये आ जाएगा -2i + 3j - 3i - 7j, तो ये आ जाएगा -5i - 4j। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास वेक्टर। अब इसकी निकालनी है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, R2 - R1 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 और आ जाएगा 16, तो ये आई थिंक बन जाएगा 39, और 39 का आंसर बनता है 41। और 41 का आंसर बनता है जी 6.4। ये तो मैं डायरेक्ट लिख के जा रहा हूँ, 25 को आप 16 में जमा करो 41, और ये 6.4। तो ये तो आ गया आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड। दूसरी बची डायरेक्शन,
डायरेक्शन थीटा डिपेंड करेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, अगर आप गौर करो तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, तो क्वाड्रेंट नंबर बना फोर। क्वाड्रेंट नंबर फोर में जो थीटा होता है वो 180 प्लस फाई, और फाई किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स वाई, इसको मैं थोड़ी देर के लिए आर वाई कह देता हूँ, और आर एस, यानी कि वाई वैल्यू को एक्स वैल्यू पर आपने डिवाइड करना है। तो इसकी अगर वाई वैल्यू देखो तो वाई वैल्यू कौन सी है फोर, और एक्स वैल्यू कौन सी है फाइव। अच्छा, इनके साथ आपने साइन सुई नहीं लगाने, बस ये साइन इंडिकेशन है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टेन इनवर्स फोर बाई आता है आंसर हमारे पास 39। कितना आंसर आता है 39। तो जो थीटा होगा वो क्या होगा 180 प्लस 39, तो ये बन जाएगा 219। तो 219 इसका फिर होगा एंगल। ठीक हो गया जी, ये था न्यूमेरिकल नंबर फोर। न्यूमेरिकल नंबर फाइव देखें, तो अभी तो ये सारे वेक्टर्स के चल रहे हैं और बड़े आसान न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े से कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आते हैं टॉर्क में, बहुत कम मतलब कम्प्लेक्स होगा हल्का सा, और जो ज़्यादा कम्प्लेक्स आते हैं ना वो आते हैं इक्विलिब्रियम वाले, तो वो हम नेक्स्ट ही करेंगे क्योंकि इस वीडियो में पूरे नहीं हो सकेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर फाइव देखते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर फाइव में वो कहते हैं कि इफ़ बी इज़ एडेड टू वेक्टर ए द रिजल्ट इज दिस 6i + j, और इफ़ बी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी कि बी को ए में से निकाल दो तो रिजल्ट आ जाता है -4i + 7j। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए की क्या वैल्यू है, यानी कि मैग्नीट्यूड की कीमत, यानी कि अगर वो ये कह रहा है कि ए में आप बी को ऐड कर दो तो जवाब आता है 6i + j, और अगर ए में से आप बी को माइनस कर दो तो जवाब भाई साहब बनता है -4i + 7j। तो अब आपसे सवाल है कि ए की मैग्नीट्यूड क्या है, तो अगर आप इन दोनों को देखो तो क्या ये आपको लग रहा है x + y = φ वैल्यू, x - y = φ, तो हम इस दोनों को इक्वेशंस कह लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 6i + j। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन ए को, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में जस्ट सिंपली ऐड कर रहा हूँ। तो जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, जैसे कट जाएगा तो इधर बचेगा 2a, इधर बचेगा आपके पास 2i + 8j। इनमें जो चीज़ कॉमन है वो एक नंबर है और नंबर है 2, तो i + 4j, इधर बचा 2a, ये नंबर नंबर से कैंसिल, तो ए की जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 4i + j। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर विच इज़ i, और i की वैल्यू कितनी होती है 1, और 4 का स्केयर, तो 1 + इसका आंसर था आई थिंक 4.1, जो कि मैंने पहले लिख दिया था। हाँ, इसका आंसर है जी 4.1, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सारा कुछ ऐसे ही होगा जैसे कि हमने एक प्रीवियस किया है, तो हम उसे करते हैं वो, उसको मैं कोशिश करूँगा इसी बोर्ड पर मतलब दोनों को इकट्ठा ही हल कर दूँ, उसके दोनों पार्ट्स को। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कहता है गिवन डैट ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j, जो ए वैक्टर है वो बराबर है 2i + 3j, और जो वैक्टर बी है वो बराबर है 3i - 4j। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, तो आपने सी बताना है जो के बराबर है ए प्लस बी के, इसकी दोनों चीज़ें बतानी है कि सी का मैग्नीट्यूड और सी की डायरेक्शन, तो इसके साथ मैं थीटा सी लिख देता हूँ। दूसरा डी बताना है, डी बराबर है 3a - 2b के, और डी की मैग्नीट्यूड और डी की डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी और डी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आप सी देखें तो पहले मैं सी को सॉल्व करता हूँ, तो सी बराबर आ रहा है ए प्लस बी, ए की वैल्यू है जी 2i + 3j। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, देखते हैं आप लोगों को समझ आती है कि नहीं। तो i में i ऐड हो जाएगा, तो 2 में 3 ऐड होगा तो कितना आंसर बन जाएगा 5i।
ये 3 प्लस का, ये माइनस का, तो बचेगा माइनस का जे। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपके पास वेक्टर सी। अब सी की मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस माइनस वैल्यू का, यानी कि अगली कंपोनेंट का स्क्वायर, 25 + 1 विच इज़ इक्वल टू 26। और 26 का अंडर रूट आ जाता है आई थिंक 5.1। अब इसकी होगी डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें पहले देखना है थीटा। थीटा का मतलब हमने देखना है कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है, यानी कि वाई नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 360 - 5, और 5 बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स सी वाई ओवर सी एक्स। टेन इनवर्स सी वाई की वैल्यू है 1 और एक्स की वैल्यू है 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आएगा 11। कितना आएगा 11। तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, 360 - 11 विच इज़ इक्वल टू 349। ठीक हो गया, तो ये मैंने इसको सी लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो थीटा सी फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कौन से वाला डी, इसका मतलब डी की कैलकुलेशन करते हैं। तो जो डी है वो बराबर है 3a - 2b। तो 3a, तो a की वैल्यू को 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको किया 6 + 9j। देखो ये a की वैल्यू, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 6 = 9 माइनस b की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 3 × 3 = 9 माइनस कितना बनेगा 3a, ये आ गया आपके पास, सॉरी 2 का आपने मल्टीप्लाई किया 6 - 8j, कुछ यही बनेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू देखें 5i - 9j - 6i, एक सेकेंड, इसकी कोई गड़बड़ हो रही है हमारे पास है यहाँ पर 3, 6 और 6, गड़बड़ हो गई ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इसको करो तो ये आ जाएगा 6, और जब इसको करोगे 2 से तो 8, तो आप इसे करें तो ये आ जाएगा 6i + 9j - 6i + 8j, यही बनेगा, ये इसे कर जाएगा। मुझे कन्फ्यूजन इसलिए हो रही थी क्योंकि ये न्यूमेरिकल करा करा कर हिफज हो गया, और मुझे पता था कि इसका आंसर 17j बचना है, और यहाँ पर कैलकुलेशन ख़राब हो रही थी, इसलिए मुझे लग रहा था कोई मसला है, और वही मसला मुझे यहाँ से पता लग गया मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आ जाएगा डी, तो इसका मतलब है जो डी वैक्टर वो जस्ट 17j है। तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर, यानी कि 0 का स्केयर + 17 का स्केयर, तो क्या आ जाएगा 17 का स्केयर, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी 7। अब बची डायरेक्शन, अगर आप देखें तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी कि जो थीटा है वही आपका क्या होगा फाई, तो फाई किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स डी, इसका नाम है थीटा डी, डी वाई ओवर डी एक्स। टेन इनवर्स डी वाई कितना है 17, और डी एक्स कितना है 0, टेन इन्फिनिटी, और टेन इन्फिनिटी कितने पर होता है 90 पर, इसका मतलब है इसकी थीटा की वैल्यू कितनी है 90। ठीक हो गया, ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर ये कौन सा था, न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें, वो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर ए उसकी वैल्यू है 5i + j, वेक्टर ए है 5i + j, और वेक्टर बी की वैल्यू है आपके पास 2i + 4j। अब इनके दरमियान में आप एंगल बताएं, तो एंगल ढूंढने के लिए हम हमारे पास सिंपल से प्रोडक्ट है, जैसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो हमने उधर पढ़ा था कि जो ए डॉट बी है वो किसके बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के, और कॉज थीटा बराबर आ जाता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, ए डॉट बी क्या होगा
फाइव आई प्लस जे डॉट टू आई प्लस फोर जे। तो आपने करना क्या है कि इसको इससे ज़रब देनी और इसको इससे, और फिर इनको ऐड कर देना। पाँच को दो से दी तो दस, एक को चार से दी तो चार, लेकिन चूंकि प्लस प्लस तो ये आ जाएगा 14। तो ए डॉट बी का आंसर आ गया 14। अब रही ए की मैग्नीट्यूड, तो ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी? फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर, पाँच का स्केयर ही लिख लेते हैं, प्लस वन का स्केयर 25 प्लस एक 26, ठीक है, क्योंकि 5.1 बनेगा। और बी का, बी का क्या होगा? फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, 4 प्लस 16 20, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यूज, आपने इसमें पुट करनी है। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी की जगह आ जाएगा 14 ओवर, ए की जगह आ जाएगा 5.1 और बी की जगह आ जाएगा अंडर रूट 20। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका कुछ ना कुछ एक आंसर बनेगा। तो वो आंसर मैं इधर से लिख के लिख देता हूँ, बी का था 4.5, 0.61, यानी कि जो 20 है इसका था 4.5, ठीक है। तो इधर आप क्या लिख लो, 4.5, तो ये आ जाएगा 0.61। तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.61। तो जो लोग मैथ पढ़ते हैं, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के कॉस दबाओगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स 0.61 होता है 52। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 8 देखें जी। वो कहता है कि फाइंड दी वर्क डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू 2i प्लस 2j, फोर्स की वैल्यू है 3i प्लस 2j, और जाहिर सी बात है इसके यूनिट क्या होंगे? न्यूटन। ये फोर्स है, ये फोर्स का वेक्टर है, एक चीज़ पर लगी और उस चीज़ को कहाँ से कहाँ लेके गई, पॉइंट ए से, सपोज कर लो पॉइंट ए से उसे उठाकर, हम इसकी जो पोजीशन वेक्टर, इसको कह देते हैं हम R1, इसे R1 से उठाकर जो कि है 2 माइनस 1, इसको अगर आप खोलो तो ये बनेगा 2i माइनस j, मीटर से उठाकर कहाँ पर ले गई, पॉइंट 2 तक, वो है 6 और 4। इसको खोलो तो ये बनेगा 6i प्लस 4j। तो आपने बताना है कितना काम हुआ। तो आपको पता है कि जी वर्क जो होता है वो बराबर होता है एफ डॉट डी। तो हमारे पास डी नहीं है, तो डी वेक्टर आएगा R2 में से R1, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो R2 की वैल्यू लिखें जी, 6i प्लस 4j माइनस 2i माइनस j, 4i प्लस 5j, यही बनेगा। आपने क्या किया, 4 में से 2 गए तो 6, 4 में एक ऐड होगा क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5j। अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, एफ की वैल्यू आ जाएगी 2i प्लस 2j डॉट 4i प्लस 5j। आपको बताया डॉट प्रोडक्ट को सिंपली क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 12 प्लस माइनस प्लस, और 5 को 2 से दी तो 10, तो कितना आ जाएगा 22 जाउल। कभी कहीं कहीं पर इसके यूनिट्स भी लिखते हैं, इनके यूनिट्स का मतलब वैल्यू, तो इतने जाउल आपने काम किया होगा, ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी खलास हो गया। उसके बाद आ गया जी, यार ये रेड पॉइंटर को क्या मसला है, ये तो चेंज करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखें, न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कहता है फ्यो डैट दी 3 वैक्टर्स i प्लस j प्लस k, 3 वैक्टर्स हैं जी आपके पास। तो हम कह लेते हैं लेट वैक्टर a जो है उसका नाम है i प्लस j प्लस k, उसके बाद जो दूसरा वैक्टर उसको हम कह देते हैं b, वो बराबर है 2 माइनस 3 प्लस k, और जो वैक्टर तीसरा है उसको हम c दे देते हैं, और c बराबर है 4 प्लस
फोर आई प्लस जे माइनस आई थिंक 5k। तो आपने बताना ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो अगर वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो अगर इनके डॉट प्रोडक्ट जीरो आगे तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, जिसका मतलब है कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, इन सब का आंसर किसके बराबर आना चाहिए? जीरो। तो अगर तो ये आ गया जीरो तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, अगर ना आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ए डॉट बी को, ए की वैल्यू लिखें जी आई प्लस जे प्लस के, डॉट बी की लिखें टू आई माइनस थ्री जे प्लस के। तो इसको आई को आई से करो तो आ जाएगा दो, जे को जे से करो तो जे और जे, थ्री और वन वन, थ्री आ जाएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस थ्री, के और के क्या आ जाएगा वन, तो क्या आ जाएगा थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ए और बी। अब करते हैं बी डॉट सी, बी की वैल्यू लिखनी है टू आई माइनस थ्री जे प्लस के डॉट फोर आई प्लस जे माइनस फाइव के। अब इसको चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। दो को चार से किया आठ, तीन को एक से किया तो तीन, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और पाँच को एक से किया, एक को पाँच से किया पाँच, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो क्या देगा आठ माइनस आठ विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद है सी डॉट ए, सी डॉट ए कर लो या एक डॉट सी कर लो, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। तो आप जिस मर्जी को पहले रख लो, फोर आई प्लस जे माइनस फाइव के डॉट, ए की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के, तो चार को एक से किया चार, एक को एक से किया तो एक पाँच। इसका मतलब है कि ये भी और ये भी, ये तीनों एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर। न्यूमेरिकल नंबर टेन देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर टेन है जी, वो कहता है टेन में कि गिवन डैट ए इज इक्वल टू ए आई माइनस टू जे, ए की वैल्यू किसके बराबर है आई माइनस टू जे, और बी की वैल्यू है थ्री आई माइनस फोर के, थ्री आई माइनस फोर के। अब आपसे सवाल है कि फाइंड दी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि ए ऑन बी, यानी कि इसको मैं इधर बना के भी दिखा देता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ कि ये एक्स पूछ रहा है, यानी कि ए कॉस ऑफ थीटा की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको मैं इधर बना के दिखा देता हूँ आपको, वो ये कह रहा है कि अगर ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस सिस्टम में आपके पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम आपके पास फर्ज कर लो बी है, इधर आपके पास वेक्टर ए है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो एक कंपोनेंट होगा ए एक्स, एक कंपोनेंट होगा ए वाई। तो वो कहता है कि बी के ऊपर जो कंपोनेंट पड़ा है, यानी कि प्रोजेक्शन पड़ी है ए एक्स, उसकी वैल्यू बताओ। तो हमने कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, क्या इसको लिख सकता हूँ ए कॉज थीटा इंटू बी, और ए कॉज थीटा किसके बराबर आ जाता है, तो आप ज़रा वैल्यू इसको पुट तो करें। तो सबसे पहले आप ए डॉट बी फाइंड कर लो, ए डॉट बी क्या होगा आई माइनस टू जे डॉट थ्री आई माइनस फोर के, तीन को एक से किया तो तीन प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, और चार को इससे दो से किया तो कितना आ गया, चार को दो से किया तो नहीं 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 गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, गड़बड़ है, उसकी वजह यह है कि ये वेक्टर नहीं पूरे, इन वेक्टर्स को करना पड़ेगा पूरा, और दूसरा मैंने वेक्टर भी आधे लिखे हैं टू माइनस टू आई प्लस थ्री के, एक तो ये था और दूसरा ये था थ्री आई माइनस फोर के। तो अगर आप इसे थोड़ा एक्सटेंड करके लिखो तो ये बनेगा थ्री आई प्लस जीरो जे माइनस फोर के, अब हुआ है पूरा, अब आप नहीं करना इसे सॉल्व, वही मैं कहूँ रटे पड़े हैं इसलिए हमें पता लग जाता है फोर ही के गड़बड़ हो रही है कि नहीं, टू आई माइनस टू जे प्लस
ठीक है, तो जैसे मुझे इफ़ अज़्यूम है ना, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, जैसे मुझे इफ़ अज़्यूम है वैसे आप लोगों को इफ़ अज़्यूम होना। आ हा हा, मैं कहता हूँ पक्के 85/85 मार्क्स। तो इसको इससे ज़रब दी तो आ गया 3, माइनस टू को ज़ीरो से दी तो आ गया प्लस ज़ीरो, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा आपके पास कितना बन जाएगा 4 × 12, तो बचेगा माइनस 9। ठीक हो गया। अब रही बी की मैग्नीट्यूड, तो बी की मैग्नीट्यूड निकाल दी है। मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड का, 3 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर जमा माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 जमा 16 बनेगा 25, और 25 का अंडर रूट 5। तो ज़रा वैल्यूज पुट करो, तो ए कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है -9/5, तो यानी कि -9/5 इसका आंसर होगा। तो ये इसका आ गया आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 देखिए, वो कहता है वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट नॉर्थ में या 3 यूनिट वेस्ट में, 8 यूनिट ईस्ट में, डिस्क्राइब दी। तो हम नाम लिख लेते हैं कि जो वेक्टर ए है वो किसकी वैल्यू है, उसकी कितनी है 4 यूनिट, 4 की वैल्यू इन नॉर्थ। वेक्टर बी 3 यूनिट वेस्ट में, यूनिट का मतलब है कि मीटर हो गया, न्यूटन हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, इन वेस्ट। और वेक्टर सी 8 यूनिट इन ईस्ट। तो आपने 3 चीज़ें बतानी हैं, ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, यही है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस सी, और लास्ट में है जी बी क्रॉस सी। तो इसकी वैल्यूज बताएं। तो अगर इसकी डायग्राम की इधर मैं ड्रा करूं तो ये ज़रा कुछ यूं बनेगी, यूं बनाते हैं वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, चूंकि साउथ है नहीं तो साउथ मिटा देते हैं। जो वेक्टर ए है वो कुछ यूं बना हुआ है, 4 की वैल्यूज की इधर, ये है जी वैक्टर ए। जो वैक्टर बी है वो कुछ यूं है और उसकी वैल्यू है 3 की, और जो वैक्टर सी है वो ईस्ट में है और उसकी वैल्यू है 8 की। ठीक है, तो आपने बताना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करो, तो ए क्रॉस बी तो आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3 साइन 90, क्योंकि इनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है 90 एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 91 तो कितना आ जाएगा 12 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो अगर इसकी डायरेक्शन देखने तो ए को आपने बी की तरफ घुमाना है यूं, तो इसकी डायरेक्शन फिर किधर आ रही है, इनकी डायरेक्शन अपवर्ड ऊपर की तरफ। ठीक है, अब रह गया जी दूसरा, दूसरा है जी आपके पास ए क्रॉस सी, कर लेते हैं एक बार ये वाला यानी कि कर लेते हैं ए बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर, सॉरी ए बी नहीं ए सी। ए की वैल्यू कितनी है जी 4, सी की है जी 8 साइन अगेन 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो इधर भी एंगल कितना बन रहा है 90, तो ये आ जाएगा 32 और साइन 91 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 एन एन। तो क्या करना है ए को सी की तरफ, तो अगर ए को सी की तरफ घुमाएं तो ए की तरफ उंगलियां रखनी है, सी की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा डाउनवर्ड। तीसरा बचा बी क्रॉस सी, बी सी साइन थीटा है एन यूनिट वेक्टर, बी की वैल्यू है जी आपके पास 3, सी की वैल्यू है 8 साइन 180 इंटू एन यूनिट वेक्टर 24, लेकिन साइन 180 कितना होता है 0, तो आंसर बचेगा 9 वेक्टर। यानी कि ये देखो ना इन दोनों के आपस में एंगल कितना बन रहा है 180, और साइन 180 कितना होता है 0, इसलिए बी क्रॉस सी का आंसर क्या हो जाएगा 0, और नल वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन।
ये थे जी आपके 12 न्यूमेरिकल्स, बाकी के इंशाल्लाह फिर सॉरी 11 न्यूमेरिकल्स, बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने इस चैनल का भी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।